तो हेलो फ्रेंड्स, आप लगे हैं अपने एक और नई माइनक्राफ्ट की वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, देखो जैसे कि सीरीज़ की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगती है जहाँ तक कि मैंने देखा है, तो थैंक्स फ्रेंड्स, आप मेरी सीरीज को ज़्यादा सपोर्ट करते हो। बट फ्रेंड्स, आप लोग मेरे नॉर्मल वीडियो को भी सपोर्ट करो प्लीज़। तो आज की फ्रेंड्स वीडियो में आज कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है, मैंने कुछ प्लान करके रखा है। पहले मैंने जो फार्म प्लान करके रखा है वो मैं क्या करने वाला हूँ, एक अंडरग्राउंड माइन डिग करने वाला हूँ। और मैं आप लोगों को अपडेट दिखा दूँ क्या है, मैंने क्या क्या कर लिया है। देखो फिर मैंने घर को थोड़ा सा अच्छा बना दिया है, मैंने ये आसपास में लेयर डाल दिया, और जब और कॉबलस्टोन आएगा तो मैं इसको भी ऐसे डिज़ाइन के अंदर डाल दूँगा। तो अभी मेरे पास सफिशेंट कॉबलस्टोन नहीं था इसलिए मैं उसको डाल नहीं पाया। यहाँ पे ऐसे क्या, यहाँ इसके बीच में ग्लास आएगा, ठीक है। और अब जो अंडरग्राउंड माइन का मेरे पास प्लान है वो है कि मैं यहाँ से ऐसे एक अंडरग्राउंड माइन डिग करने वाला हूँ और ऐसे नीचे जाने वाला हूँ, ठीक है। और ऐसे नीचे मैं जाने वाला हूँ जब जहाँ तक कि डर्ट ख़त्म नहीं होती। डर्ट ख़त्म हो गया लेकिन थोड़ा नीचे और डिग करना चाहता हूँ, थोड़ा सा और। बस इतना काफ़ी है। अब ये जो चीज़ है इसको मैं ठीक करूँगा और एक काम करता हूँ, मैं अंदर जाने वाला हूँ और मैं जो है अंदर से वो ये इसकी स्टेयर्स बना लेने वाला हूँ। 12 स्टेयर्स काफ़ी रहेंगी। ओ सॉरी, इस तेर तो उल्टी लग गई। ठीक है, तो ये जो स्टेयर है ये ऐसे बन गई है और अब मैं इसके अराउंड कुछ ऐसे बताता हूँ क्या कर रहा हूँ। ऐसे मैं इसको यहाँ भी ढक दूंगा और अंदर ऐसे, और टॉर्चेस बाद में लगा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अब मुझे उधर की साइड जाना है और मैं आप एक्सप्लोर करने वाला हूँ कि उधर क्या है। और मतलब देखो फ्रेंड्स, उस साइड मैं फिर कभी जाऊँगा, अभी मुझे ना उस साइड जाना है। मतलब अभी देखो ये एरिया तो हमने एक्सप्लोर कर लिया, इसके आगे क्या है, मतलब इस डायरेक्शन में कहाँ जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ, इस डायरेक्शन जहाँ मेरी तलवार है, इस डायरेक्शन में क्या है वो तो हमने देख लिया, और उस डायरेक्शन में क्या है वो मुझे नहीं पता। तो मैं इस डायरेक्शन में जाने वाला हूँ और पीछे भी जाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ साइड वाले डायरेक्शन में जाने वाला हूँ और देखने वाला हूँ यहाँ पे क्या हमें जो है वो मिलने वाला है। तो चलिए चल के देखते हैं फटाफट से। और मैं ना इन सबको ना मार लेने वाला हूँ, जो बीच बीच में आते रहेंगे ना। ओ वाह, यहाँ पे तो ये वाली बायोम भी है। यहाँ पे तो ये वाली बायोम है। और मैंने नोटिस किया है कि जब यहाँ पे ये वाली बायोम होती है ना तो आगे जाके हमेशा कोई ना कोई एक सैंड बायोम होती है। लेट मी सी कि यहाँ सैंड बायोम है कि नहीं है। सो देखते हैं। मैं
वैसे यहाँ पे हम इसमें कुत्ता वत्ता मिल सकता है, तो कुत्ते को टेम करने के लिए मैं अपने साथ बोन ही लाया हूँ, बोन ऑल दो है मेरे पास बोन। एक काम करते हैं, ये फ्लावर भी ले लेते हैं, बाद में डेकोरेशन के काम आएंगे, ठीक है। और अब हमें इन सबको पार करते करते उबका मारते मारते जाना पड़ेगा, तो चलते हैं उबका मारते मारते, लेट्स गो। ओके, ओह नो, कुछ ना प्रॉब्लम आ गई थी तो मुझे रिकॉर्डिंग बंद करनी पड़ी, अभी हो गया। हाँ, कहते ना जब भी वैसे बाइम होती है, यहाँ पे मैं बाइम सैंड बाइम होती है, चलिए देखते हैं सैंड बाइम से। सैंड बाइम में बहुत सारी सैंड लेकर आने वाला हूँ, क्योंकि अलग लोगों ने कहा था सैंड से ग्लास बनता है, ठीक है। तो देखते हैं, देखते हैं सैंड बायोम के आगे हैं। सैंड बायोम में पानी, क्या जमाना आ गया है, माइनक्राफ्ट हैज नो लॉजिक। अरे मैं यहां से ऊपर कैसे जाऊं, और अरे अरे कहाँ से जाऊँ, ऐसा तो घूम रहा था मैं, वहाँ वेट ढूंढ रहा हूँ, देखो जाने के लिए यहाँ ऑलरेडी बना हुआ। डूंग 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 एंड डूंग, भगवान यहाँ पे भी विलेज है। कितनी सैंड हो गई मेरे पास, 32 सैंड हो गए, ठीक है। तो आई थिंक 32 सैंड काफ़ी है, लेकिन मैं थोड़ी बहुत और लेके जाने वाला हूँ और स्टॉक अप करने वाला हूँ सैंड पे। और वैसे भी सैंड की हमें बहुत बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, जैसे कि मैं डर्ट यूज़ करता हूँ और तो सैंड भी यूज़ कर लूँगा। तो फटाफट से ऐसा करते हैं, तब तक ही ख़त्म नहीं होता ना ये शो, तब तक मैं माइंड पर ऐसे माइंड करता रहूँगा। तो कहते हैं गोल्ड शो जल्दी खत्म रहती है, स्टोन शो बहुत जल्दी खत्म रहती है। मैंने क्या मतलब करा ही क्या है इसके साथ, चलो ठीक है। 64 का स्टैक और 28 का स्टैक हो गया, आई थिंक इसमें मेरा काम उड़ाना चाहिए। अब देखते हैं कि इस विलेज में क्या है, लेट्स सी। अच्छे लग रहे हैं विलेज, ओ वाह टेराकोटा, ठीक है। तो ये हमने ले लिया है, चलिए देखते हैं आगे क्या मिलता है। ओके यार मेरे पास सिल्क टच नहीं है, वरना मैं ये भी ले लेता। मैं ये सब ले लेने वाला हूँ, और इन्होंने अच्छा आइडिया दे दिया, मैं भी अपने घर के बाहर ऐसी पुतले खड़े कर दूंगा और उसके ऊपर ना सैंड लगा दूंगा, मतलब वो लगा दूंगा टॉर्चेस। ओके चलो अब यहाँ से चलो, और यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है, कहाँ से घुसना है। यहाँ प्रेशर प्लेट भी ले लेता हूँ और इसको तोड़ भी देता हूँ। ओके ओके, तो मुझे फ्री का टेराकोटा मिल गया है गाइस। चलिए अब देखते हैं आगे इनकी, इनके लगता है विलेजेस में चेस्ट नहीं है जहां तक कि मुझे अभी लग रहा है इनकी, क्योंकि मुझे अभी तक कुछ चेस्ट दिखी नहीं है। वाह गिव, देखते हैं क्या है। ओ ये मैं कहाँ कर गया,
और मैं ना यहाँ जाने की ना गलती नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं यहाँ चला भी गया गलती से तो गड़बड़ी क्या हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास अभी टॉर्चेस नहीं है। मैं ना ये ले लेने वाला हूँ ब्रेड, जस्ट बिकॉज इफ एनी टाइम आई मतलब मुझे जॉम्बी वॉम्बी ने खा लिया, सॉरी खा नहीं लिया, जॉम्बी वॉम्बी ने अगर मुझ पर अटैक कर दिया तो देन आई नीड समथिंग टू रिस्टोर माई हेल्थ, ऑल दो मैं आज सॉर्ट लेके आता हूँ। ठीक है, देखते हैं इस विलेज में क्या क्या है। और अरे सॉरी नो स्टेयर्स, अरे ये कौन सा भाई, ये कौन से बिल्डर का घर है भाई हैं? ओ अच्छा ये तो इनकी पेंट्री है। ठीक है यहाँ तो आ गया, let's see what in here। अरे वाह चलो ठीक है, ढेर सारा कुछ और भी मिलेगा मुझे, ब्रेड ही मिलता रहेगा कि मतलब एमरल्ड अभी मिला, बट इनके पास वैरायटी नहीं है कुछ भी, बस बस एमरल्ड ब्रेड एमरल्ड ब्रेड एमरल्ड ब्रेड, कुछ और वैरायटी है इनके पास नहीं है। ओके तो सुंदर लग रहा है, अबे विलेजर्स नहीं है क्या यहाँ पे? हाँ ये रहा, देखते हैं इसके पास क्या है ट्रेड करने के लिए। वैसे ट्रेड करने में इंटरेस्ट नहीं रखता, कोई नहीं, आई थिंक मैंने सब मैंने सारी बिल्डिंग्स एक्सप्लोर कर ली हैं जहाँ तक कि लग रहा है मुझे। इसके इस बंदे के पास देखते हैं क्या है ट्रेड करने। अबे ये लोग ट्रेड व्रेड नहीं करते क्या? ये फंसा हुआ है, ये बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, मैंने एक ट्रेड करने वाला है बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स। अगर मैं अगर मैंने ये बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इससे ट्रेड कर लिया तो ये मुझे चाह दे रहा है बेन ऑफ आर्थ्रोपॉड्स वन, जो किसी काम वाम आती वाती है नहीं, और प्लस ये मेरे एमरल्ड ऑलवेज कराएगी। इसके पास देखते हैं क्या है मैंने अपना अपना वो वेस्ट कर लिया, ओए होए हट यहाँ पे। ये आई थिंक लास्ट घर है यहाँ का, तो इससे अच्छी तो मेरी वो वाली विलेज थी, यहाँ पे तो कुछ मिला ही नहीं, बस एक घटिया से ब्रेड श्रेड मिल गई और तो कुछ नहीं मिला। चलो कोई नहीं, चलिए अब हम अब एक काम करते हैं वहाँ पे चलते हैं। ओ यहाँ पे भी है, रुक जाओ सब लेके जाऊँगा मैं यहाँ से। बड़ी अजीब बात है यार कि यहाँ पे कुछ तो मिला नहीं मुझे, यहाँ घोड़े का बच्चा है वो अलग बात है। हाँ मैं घोड़ा नहीं लेके जाने वाला हूँ यहाँ से, ऑल्दो मेरे पास लीड लीश है बट उसको यहाँ से लेके जाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना, है ना इसके पास भी कुछ नहीं, और इसको ट्रेड करते हैं। दोनों यहाँ पे क्या मेल मिलाप कर रहे हो भाई हैं जी? लेदर ट्यूनिक है, अबे मैंने ये क्या ट्रेड कर लिया? चलो अब अगर ले लिया फेंकना नहीं है, सात एम्ब्रॉल से लिया है मैंने, ये पता नहीं क्या बकवास ले लिया है मैंने। चल चलो वापस चलते हैं, यहाँ पर कुछ ज्यादा मिला नहीं मुझे बट जो मिला वो भी अच्छा ही था। यहाँ तो कुछ है ही नहीं, उधर यहाँ कहते हैं कि यहाँ पे आपको ना वो मिल जाता है बॉडी उसे उपसी। यहाँ पे कुछ चेस्ट चूस्ट मिलते हैं बट मुझे अभी उनका लेने का कोई मूड नहीं है, से ओ भाई ओ भाई ओ भाई मचा यहां निकल यहां तो बात करने लगा था क्रिएटिव।
कैसे निकले कैसे निकले कैसे निकले कैसे डॉट फटाफट यहां से निकलूं। चलो अब मुझे वहां स्ट्रेट जाना है। यहां पे अब कतई चीज मिल रही है तो मैं इनको छोड़ मत ले लूंगा बेटा। तो फिर भी मैं छोड़ दूंगा और आप लोग कैसे हो तो कमेंट करना, बोलना और लाइक करना, बोल देना। तो सुबह घर पे पहुंच जो है मैं पहुंच चुका हूँ और अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं वो जो टेराकोटा अपने साथ लाया हूँ उसे मैं आप लगा लें। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ना वो जो लाया हूँ ना अपने साथ, नहीं पहले मैं सारा सामान अंदर रख देता हूँ। इसे डॉट ब्लॉक के साथ, इसे इसके साथ इसे तो कहीं लगा ही दूंगा, इन सबको तो कहीं लगा ही देता हूँ। ठीक है, इसको इसके साथ डाल देता हूँ, इसको भी इसके साथ डाल देता हूँ। नहीं ऐसा करता हूँ, इसको ना ये जो सारा सामान है इसको मैं जो है रेफ्रिडो अपने क्राफ्टिंग टेबल जो मैंने ली थी उसको मैं डाल देता हूँ। इसे भी यहीं डाल दो, अभी कुछ काम नहीं है। लीड भी मैं यहीं डाल देता हूँ, खाना उस बॉक्स में, ये उस बॉक्स में। ऑलराइट ठीक है, तो फर्नेस में मैं 64 के साथ ये डाल देता हूँ, ये मेल्ट होता रहेगा। खाना जाएगा खाने वाले आइटम्स के बॉक्स में, फेदर भी आइटम वाले बॉक्स में जाएगा, ये मेरे पास रहेगा। शुगर केन भी उसी वाले बॉक्स में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, आज ऑफ मैंने ये भी रख दिया ना, हाँ इसे ले लेने वाला हूँ और यहाँ से एक स्टोन हो बना लेने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टोन हो मैंने बना लिया है और एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ आयरन बकेट कितने का बन रहा है। मैं देखो अगर आयरन बकेट मुझे कम का बन रहा होगा और मेरे किसी काम का भी आ रहा होगा तो ही मैं बनाऊंगा, वरना मैं आयरन बकेट नहीं बनाने वाला हूँ। तो मतलब ये 3 आयरन इंगत बनता है, मैं 3 तो यूज कर सकता हूँ आई सपोज। ठीक है, 29 में से मैं 3 यूज कर लूंगा तो ज्यादा चला वाला में जाएगा नहीं। ठीक है, और अब मैं यहाँ से पानी लेके जाने वाला हूँ क्योंकि मतलब रिवर मेरे पास ही है। तो ओके, और अब मैं फार्म बनाऊंगा पीछे मतलब अब किधर बनाऊं, इधर बनाता हूँ। तो अभी रेडी है, तो मेरे पास कुछ चुनिंदा सीड्स हैं वो मैं लगाने वाला हूँ। तो ये लगा दिए, बाकी सीड्स में जैसे जैसे काम होता रहेगा मैं सीड लगाता रहूँगा। ठीक है, और अब यहाँ पे फ्लावर लगा दिए इधर। ठीक है, अब मुझे लग रहा है ना ये फ्लावर ना ज्यादा इधर ज्यादा अच्छा लगेंगे अगर मैं लगाऊं तो इनके बीच में, अरे साइड में नहीं इधर। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ लगा दिया, मतलब 2 वहां लगा दिए और 1 यहां से लगा दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा रेडी हो जाएगा। और वो जो तो मैंने बैनर मेरे पास थे ना बैनर में, तो वो बाहर लगा देता हूँ। I wonder what is so unjan from us? From the other 2 sides. मतलब अभी देखो उधर sand biome है, तो अब मुझे ये महत्वाकांक्षा लग रही है मेरी कि उधर शायद I am not sure, शायद उधर हमारा pillager outpost हो सकता है और उधर हमारा sand biome तो है ही। मैं आगे जाके देखने वाला हूँ, हो सकता है मुझे वहाँ पे कुछ और अच्छा मिल जाए और आगे मैं और भी थोड़ा कुछ और देखने वाला हूँ कि क्या हमें मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है।
लो ये हमने बना लिया। आज हमने क्या क्या किया, आज हमने ये बनाया वो बना लिया, हमने जो है ये पिलर्स बना लिए, हमने ये कर लिया, हमने सैंड बायोम भी देख ली, हमने सैंड जो है हमने सैंड भी लगा दिया है, अपना जो ग्लास है ग्लास बन भी गया, तो चलो ग्लास लगा ही देते हैं। अच्छा मैंने इधर जो वो किया था ना, एक मिनट, इधर ही क्या था, तो जब भी क्विकली क्यूप माई ग्लास, अब फ्रेंड्स आप लोग मुझे बताओ कि मैं सबसे पहले क्या बनाऊं, जब सबसे पहले मैं अपना आयरन आर्मर बनाऊं कि सबसे पहले मैं अपने आयरन टूल्स बनाऊं, जो जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उस जिसको ज़्यादा सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे मैं वही बनाने वाला हूं। तो फटाफट से जाओ और कमेंट करो कि मैं सबसे पहले क्या बनाऊं, आयरन आर्मर कि आयरन जो भी सामान है, तो फटाफट जाओ फटाफट मैं कह रहा हूं ना, फटाफट जाओ अभी जाओ, अभी कुछ ज़्यादा मैं काम कर नहीं रहा हूं। इधर तो इधर है, इसका मतलब इधर नहीं होगा, एक मिनट पहले ये लगा दूं वरना लल्ला लामा उड़ जाएगा। लल्लामा नहीं होता भाई, एल्पेका होता है भाई, मुझे क्या हो गया है। इधर और आई थिंक इधर नहीं, हाँ इधर नहीं है। ओह ना सॉफ्ट टच जल्दी रहना पड़ेगा मुझे। देखा जहां पे भी स्पेस होती है ना लल्लामा एल्पेका उधर ही देखता है, बाकी मैं बाहर जाके देखने वाला हूँ। इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर भी लगा दिया, इधर जरूरत नहीं है, इधर लगा ही नहीं है ना, इधर मैं पहले ही ना वो करता हूँ। और ऐसे ना ये जो चीज है ना ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव लेयर ऐड करती है, अगर आपके पास सॉफ्ट टच है और कभी ज़ॉम्बी वॉम्बी घुस जाते हैं ना मतलब आसपास होते हैं तो आप ना इनसे मार सकते हो, ज़ॉम्बी आपकी तरफ अट्रैक्ट तो होंगे और वो इसकी तरफ जब भागते भागते आएंगे ना तो उनको यहाँ आने में टाइम लगेगा, और जब तक वो चढ़ रहे होंगे तो आप उनको उसको मार दो, ठीक है। जैसे यहाँ चढ़ने में इतना चढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, और शायद ज़ॉम्बी तो चढ़ भी नहीं सकते जहाँ तक कि मुझे लगता है। अबे क्या लगा दिया, आप लोगों से बातें करने के चक्कर में ना मैंने ये लगा दिया। That's it for this video. अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो। फ्रेंड अगर इस वीडियो पे ज़्यादा मुझे सपोर्ट मिलेगा मैं तभी नेक्स्ट वीडियो डालूंगा, इस वीडियो पे जब तक 35 व्यूज़ नहीं आते तब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आने वाली है। तो 35 व्यूज़ और कम से कम 2 लाइक का टारगेट तक पूरा करवा ही दो। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक।